الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر। आज के इस अजीम इजलास के बावकार सदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम दीनी भाइयों और बुजुर्गों नौजवान साथियों अजीज बच्चों और पर्दे में बैठी मेरी बातों को सुन रही प्यारी माँ और बहनों, आज का ये जलसा कुरान पाक की निस्बत पर मुनाकिद हुआ है। हम सब लोगों को ये बात जानना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात जितनी बड़ी है अल्लाह की किताब भी उतनी ही बड़ी है, और जब तक एक मुसलमान के दिल में जितनी अल्लाह की बड़ाई और अजमत है उतनी ही अल्लाह की किताब की अजमत और बड़ाई नहीं होगी, हमारा ईमान अल्लाह के यहाँ मोतबर नहीं है। इसलिए जो लोग इस मजलिस में बैठे हैं वो ये महसूस करें कि हमारे दरमियान अल्लाह भी मौजूद है और अल्लाह की किताब भी मौजूद है, और अल्लाह की किताब को अपने सीने में महफूज करने वाले वफादे किराम भी मौजूद हैं। आप अगर एहतराम के इस जज्बे के साथ तशरीफ रखेंगे तो यकीन मानिए अल्लाह ने कुरान की निस्बत में बड़ाई भी रखी है और कुरान की निस्बत में इज्जत भी रखी है। कि कौन बात करते हैं जी, बीच में बैठ करके शर्म नहीं आती कि सामने में बैठ कर बकवास करो। मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान पाक की निस्बत पे कितनी बड़ाई रखी है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये अल्लाह की किताब जब हजरत जिब्राइल को मिली ताकि उसको अल्लाह के रसूल तक पहुंचाया जाए, तो इस निस्बत की बुनियाद पर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को तमाम फरिश्तों का सरदार करार दिया, और जब ये किताब अल्लाह के आखिरी पैगंबर पे नाजिल हुई तो इस आखिरी पैगंबर को तमाम नबियों का सरदार करार दिया गया, और जब ये किताब मक्के में उतरी तो मक्के की सरजमीन को तमाम जमीन के हिस्से के लिए माँ का दर्जा दिया गया, और जब ये किताब रमजान में नाजिल हुई तो रमजान को तमाम महीनों का सरदार माना गया, और जब ये किताब शबे कद्र में उतरी तो शबे कद्र को तमाम रातों में सबसे मुबारक रात का दर्जा दिया गया। लोगों, जहां जहां कुरान की निस्बत गई उसकी अजमत और बड़ाई बढ़ती चली गई। आज हम भी कुरान की निस्बत पर यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह अगर इस निस्बत की लाज रख ले, अल्लाह आज भी मेरे लिए इज्जत और सरबुलंदी के फैसले फरमा सकता है। हमें इसी उम्मीद के साथ बैठना चाहिए और इसी उम्मीद के साथ इस निस्बत का इजहार अपने दिल में रखना चाहिए। लोगों, कुरान पाक में अल्लाह ने इज्जत भी बड़ी रखी है। आज 5000 रुपए मीटर का कुर्ता आप पहने, जमीन पर वो कुर्ता गिर जाए, कोई उस पर पैर रख दे तो आदमी की पेशानी पर वो शिकन नहीं आएगा। जो 5 रुपए मीटर वाले कुरान का जुज्वदान, जिसको कुरान से ताल्लुक था, अगर वो जमीन पर गिर जाए और उस पर कोई पैर रख दे तो पैर रखते ही आदमी के चेहरे और पेशानी का रंग बदल जाए कि तुमने इस कुरान से जुड़े हुए कपड़े की नाकदरी बेहुरमती की। लोगों, हमारे पास सागवान के फर्नीचर है, कोई उस पर पैर रख दे चढ़ जाए, कोई किसी को एतराज नहीं, लेकिन आम के की लकड़ी का बना हुआ वो रिहल जिस पर कुरान रखा जाता है, अगर खुदा न खास्ता कोई उस पर पैर रख दे तो 10 आदमी उसको थू थू करेगा
कि तुमने इस अजीब रहल की बेहुर्मती कर ली। लोगों, ये कुरान पाक की निस्बत में अल्लाह ने इज्जत रखी। आप बताओ कि सिर्फ कुरान पाक से छोटी सी निस्बत जुड़ी तो उसको इतनी बड़ी बड़ाई मिली। क्या ये चार हुफ्फाज़े किराम जिन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, बोलो अल्लाह के नज़दीक इनकी मर्तबे की क्या बुलंदी थी। फरमाया कि क़यामत के दिन इनके इशारों पर अल्लाह गुनहगारों की मग़फ़रत फरमाए। फरमाया कि इनसे कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा। इनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ, उनके सर पर ताज रखा जाएगा और लोग पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं जिनके सर पर इस तरह मनोवर ताज है। कहा जाएगा ये वो माँ बाप है जिसने अपनी औलाद को हाफिज़े कुरान बनाया। लोगों, कुरान की निस्बत जहाँ जहाँ पहुँचती चली गई, अल्लाह ताला ने दुनिया में भी इज्जत और बुलंदी दी और खुदा की कसम आखिरत में भी उनके लिए इज्जत और बुलंदी के फैसले थे। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको भी, मदरसे के जिम्मेदारों को भी, इन तलबा के असातिज़ा को भी जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इन उफादे किराम को तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब तक ऐसे मदरसों से ये चश्मे जारी हैं और कुरान पाक से ताल्लुक का ये मामला सिलसिला जारी है, इंशाअल्लाह मदरसा भी महफूज रहेगा, उसकी खिदमत करने वाले भी महफूज रहेंगे, कुरान हिफ्ज करने वाले भी महफूज रहेंगे और अल्लाह इसके बरकात और अनवार से आप सबको इंशाअल्लाह नवाजता रहेगा। जरूरत है इस बात की कि हम अपनी हिम्मत को और बुलंद करें, अल्लाह की इस किताब से रिश्ते को और मजबूत करें और जमीन पर यह नियत करें कि इंशाअल्लाह जब तक ये सांस चल रही है कुरान पाक से हमारा मजबूत रिश्ता कायम रहे। कुरान पाक से रिश्ते की जब बात आती है तो लोगों, लोग पूछते हैं कि कुरान से रिश्ते का क्या मतलब है। याद रखिए, कुरान से रिश्ते का मतलब ये है कि कुरान पाक के हुकूक को अदा किया जाए और जब मुसलमान कुरान के हुकूक को अदा करेगा तो ये बात साबित कर सकेगा कि उसका अल्लाह की इस किताब से मजबूत ताल्लुक है। लोगों, याद रखिए, कुरान अमल की किताब है, कुरान तावीज की किताब नहीं है, कुरान जहेज में देने वाली किताब नहीं है, कुरान शाबान में कुरान खानी करके धक्का मार कर मुर्दों को जन्नत पहुंचाने के लिए नाजिल नहीं हुई, कुरान पाक जुज़्वेदान में सदा कर ताक पर रखने वाली किताब नहीं है, कुरान पाक सिर्फ इसलिए नहीं है कि अगर वो हाथ से गिर जाए तो उसके बराबर चावल और गल्ला सबका किया जाए, बल्कि ये कुरान अमल की किताब है। ये कुरान इसलिए उतारा गया कि उसकी एक एक आयत पर बंदा अमल करके इस बात को साबित कर दे कि मैं अल्लाह से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अल्लाह को अल्लाह मानता हूँ, अल्लाह का जो हुक्म कुरान के जरिए आया मैं उस पर चल रहा हूँ। यही कुरान से सच्ची मोहब्बत, कुरान से सच्चा ताल्लुक और कुरान के साथ सच्ची वाबस्तगी की खुली अलामत है। इसलिए जो लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ईमान की नेमत दी है, आपने अपने खुदा को खुदा माना है, आपने इस किताब को अल्लाह की किताब तस्लीम किया, तो आज इस मजमे में बैठने वाला एक एक मुसलमान इस बात पर की अहद करे कि अगर कुरान अमल की किताब है तो इंशा अल्लाह हम कुरान की आयात पर, कुरान के हुक्मों पर, कुरान की बातों पर जब तक जिंदा है हम अमल करने की मजबूत कोशिश करते रहे करेंगे इंशा अल्लाह। कौन कौन करेंगे, हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, वहां अगली मर्तबा भी हाथ उठाया था, लेकिन कितना आदमी 6-5 किया उसमें, वो गिनती तो अल्लाह के पास हो, लेकिन हम जैसा बंदा कर भी क्या सकता है, आपसे वादा ले सकता है, आपसे हाथ उठवा सकता है। ये तो आपकी मोहब्बत की बात है कि आप अपने हाथ के उठाने की लाज रख लें। मेरा यकीन है कि जितने भाई यहाँ बैठे हैं जब उन्होंने अपना हाथ उठा दिया है तो इंशाअल्लाह वो जिंदगी में इस हाथ उठाने की लाज जरूर रखें।